चंद्रपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता चित्रा वाघ ने कहा कि मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते हुए हर जिले की समस्याओं, खासकर महिलाओं की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हूं। इस दौरे के दौरान संपर्क के माध्यम से लोगों को सरकार से क्या अपेक्षा है यह भी पता चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस संदर्भ में महिलाओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए चंद्रपुर जिले में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन यह प्रभावी होनी चाहिए। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक संवेदनशील नेता है, इसके लिए हम उनसे शराबबंदी जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर सीधे चर्चा करेंगे। चित्रा वाघ ने कहा, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। देखा गया है कि ग्राम पंचायत के निर्णय पर शराबबंदी लगाई जाती है, महिलाओं में शराबबंदी लागू करने की प्रवृत्ति होती है, यह प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह एक महिला पदाधिकारी के बयान को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे। ऐच्छिक योग्यता महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। सदन में अधिकांश महिला विधायक भाजपा से है, यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसे टिकट और पद दिया जाए। जो काम करते हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाता है, उन्हें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यह संभव नहीं है सिर्फ एक महिला होने के कारण टिकट दिया जाए, वैकल्पिक योग्यता आवश्यक है, महिलाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। चित्रा वाघ ने यह भी कहा कि भाजपा में कोई लॉबिंग नहीं है, उन महिलाओं की वजह से सरकार को मिला मार्गदर्शन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महिलाओं की समस्याओं को हल करने, केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुशलता पूर्वक काम कर रही है। इस दौरे के दौरान हम उन महिलाओं से मिल रहे हैं जो वर्षों से एक ही मुद्दे पर ओपिनियन मेकर्स के रूप में काम कर रही है। चित्रा वाघ ने बताया कि महाराष्ट्र के इस दौरे का मकसद महिलाओं की समस्याओं को जानना और सरकार तक आगे बढ़ाना है। चित्रा वाघ ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे ही लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र में भी सख्त कानून बनाया जाए और इसके लिए भी भाजपा महिला अघाड़ी सरकार से बात करेगी। भाजपा नेता चित्रा वाघ ने शराबबंदी फिर से चंद्रपुर जिले में लागू हो, इस बयान से शराब व्यवसाय करने वालों में बेचैनी का माहौल है। लंबे अरसे के बाद पिछली सरकार ने शराबबंदी हटाई तो अच्छे दिन आए थे, मगर अभी शराबबंदी की मांग और वो भी सत्ता पक्ष की महिला अघाड़ी से आना चंद्रपुर के शराब धंधे के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। तुम्हाला सांगायचं की ज्यावेळेला एखादा निर्णय होतो, लोकहिताचा निर्णय, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याची जबाबदारी ही लोकल अथॉरिटीजची असते। मग त्यात कलेक्टर आले, मग त्यात एसपी आले, प्रशासकीय यंत्रणेचं असतं। प्रशासकीय यंत्रणेकडनं प्रभावी काम करून घेण्याचं काम हे राजकीय नेत्यांचं असतं। त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये ही दारूबंदी झाली तर ती कशी प्रभावी होईल याच्याकडे आमच्या सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे। आणि फक्त कागदावरती दारूबंदी नाही तर ती प्रत्यक्षामध्ये आणि प्रभावी अंमलबजावणीने होईल। चंद्रपूर से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता सुनील तायडे की रिपोर्ट।